सब्सक्राइब करें तेज ट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल की बटन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और आप सभी के चैनल तेज ट्यूब पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वयं के सॉल्व एमसीक्यूज कोर्स नंबर 504 लर्निंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। आज इसमें दो एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि 8 फरवरी से आप सभी के एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी के कोर्स नंबर 501, 502 और 503 में भी एमसीक्यू आज ही से स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने चैनल तेज ट्यूब पे। ये है कोर्स नंबर 501, इसमें 6 क्वेश्चन है, वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा कोर्स है कोर्स नंबर 502, इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, और उसके बाद आपको कोर्स नंबर 503 की वीडियो है, ये भी अपलोड हो चुकी है। इसमें कोर्स नंबर 503 इंग्लिश और हिंदी दोनों में था, तो इसकी वीडियो आज आपको नहीं मिलेगी हिंदी में। कोर्स नंबर 502 और कोर्स नंबर 501 इन दोनों की हिंदी में ट्रांसलेटेड वीडियो आप सभी को आज शाम में अपने चैनल तेज ट्यूब पे देखने को मिलेगी। और मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि पहले था कि स्वयं में केवल कोर्स नंबर 501, 502 और 503 ही दिखता था, बट अब आपको कोर्स नंबर 504 भी दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वयं की ऐप को अपडेट किया गया है और इसमें कोर्स नंबर 504 को भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपने अपने कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो को देख के नए कोर्सेज में इनरोल कर लें। और मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि DLED और NIOS ने कहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी के कोर्स नंबर 501, 502 और 503 ही आएंगे, बट अब कोर्स नंबर 504 भी ऐड कर दिया गया है, और इसकी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके वेबसाइट पे नहीं है। जैसे कि पहले एक टेबल अपलोडेड था कि आपकी एग्ज़ाम्स होगी 26, 27 और 28 फरवरी से, बट अब ऐसा भी नहीं है कि वो टेबल कहीं दिख रहा है, टेबल भी हटा लिया गया है। और आप सभी को मैं बता दूं, ऐसा हो सकता है, अभी ये कन्फर्म नहीं है, ना ही इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। ऐसा हो सकता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम ना हो के सीधा आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, इसकी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। सो अभी फ़िलहाल हमें करना क्या है, अगर कोर्स नंबर 504 ऐड हुआ है स्वयं पे, तो हम इसकी टेस्ट को देंगे, क्योंकि टेस्ट की जो वैलिडिटी है केवल 14 फरवरी तक की वैलिडिटी है। तो चलिए इस टेस्ट को देते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम है www.swayam.gov.in। आप इस टेस्ट को अपने ऐप, जो फ़ोन की ऐप है, उसमें भी दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस टेस्ट को। ये टेस्ट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, इसकी हिंदी टेस्ट भी एक पर्टिकुलर है, तो जो हिंदी के व्यूअर्स हैं, जो हिंदी के ट्रेनीज हैं, वो हिंदी टेस्ट को देंगे, और जो इंग्लिश के ट्रेनीज हैं वो इंग्लिश के टेस्ट को देंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश के टेस्ट को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, गिव एज मेनी चॉकलेट्स टू द स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट, टेल देम टू गिव ईच वन चॉकलेट बाय दिस प्रोसेस विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैन बी इम्पार्टेड। चार ऑप्शन है, शॉर्टिंग, मैचिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग। सही आंसर होगा मैचिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ईच चाइल्ड इज यूनिक इन हिज और हर थिंकिंग, दिस इज ड्यू टू देयर। चार ऑप्शंस हैं, परसेप्शन, रिप्रेजेंटेशन, कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन, मेंटल स्ट्रक्चर। सही आंसर होगा परसेप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी डेवलप्ड एट द सेम टाइम दैट व्हेन स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न एडिशन। चार ऑप्शंस हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डरिंग और कंपैरिजन। सही आंसर होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रोवाइड द स्टूडेंट्स अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, टेल देम टू मेक अनदर सिमिलर वन एंड कलर बाय दिस विच कॉन्सेप्ट यू आर जजिंग। चार ऑप्शंस हैं, पहला है कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, दूसरा है नंबर कॉन्सेप्ट, तीसरा है सबिटाइजिंग और चौथा ऑप्शन है लीनियर डायमेंशन। तो चार ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड कंसंट्रेट ऑपरेशन पीरियड। चार ऑप्शंस हैं इसमें, 11 टू 12 ईयर्स, टू 14 टू 15 ईयर्स, 7 टू 11 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है 2 टू 7 ईयर्स। सही आंसर होगा इसका फ्रॉम 7 टू 11 ईयर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द इक्विलिब्रेशन, अ बैलेंस बिटवीन टू प्रोसेसेस कंस्टिट्यूट द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ थिंकिंग। चार ऑप्शंस है, एडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन, एडेप्टेशन एंड एसिमिलेशन, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, चौथा ऑप्शन है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सही आंसर होगा एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिप्रेजेंटेशन, परसेप्शन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, अरेंज दीज एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑकरेंसेज। चार ऑप्शन है, ए सी डी बी, बी ए सी डी,
ABDC और DBCA। सही आंसर होगा BACD, यानी पहले परसेप्शन, फिर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद एसिमिलेशन और उसके बाद इक्विलिब्रियम। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जा रहा है, यानी छोटा से बड़ा, यानी फ्रॉम लोअर टू हायर। सो यही होगा आपका सीरीज BACD। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड व्हीकल ऑफ थॉट। चार ऑप्शंस है, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन। सही आंसर होगा लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। इन विच स्टेज वी फाइंड रिप्रेजेंटेशन और सिम्बोलिज्म। चार ऑप्शंस है, पहला है कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशन पीरियड, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, तीसरा ऑप्शन है प्री ऑपरेशन पीरियड और चौथा ऑप्शन है सेंसरी मोटर पीरियड। क्वेश्चन नंबर नाइन का सही आंसर होगा प्री ऑपरेशन पीरियड, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे, विच वन नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। चार ऑप्शन है, लर्निंग बाई इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, तीसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मेटा कॉन्जिनेटिव अवेयरनेस एंड कंट्रोल, चौथा ऑप्शन है बाई यूजिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एज पनिशमेंट इन स्कूल। चार ऑप्शन है और सही आंसर होगा इसका आपको ऑप्शन नंबर फोर, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स एज पनिशमेंट इन स्कूल। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, 10 के 10 क्वेश्चंस थे और सारे के सारे ऑप्शंस को हमने टिक कर दिए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के चैनल पे डेली शाम 7:30 से लेकर 8:30 तक वीडियोस अपलोड होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, इंग्लिश और हिंदी में। बट आज वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि आज काफ़ी वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं आप सभी के चैनल पे। 3 वीडियोस आज सुबह में अपलोड हो चुके हैं, अभी ये वीडियो अपलोड होगी, इसके बाद एक और हिंदी वीडियो अपलोड होगी और उसके बाद आप सभी के कोर्स नंबर 502 और कोर्स नंबर 501 की हिंदी ट्रांसलेटेड वीडियो अपलोड होगी। तो आज का जो शेड्यूल है, शाम 7:30 से लेकर 8:30 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की जो वीडियोस आती हैं आपके चैनल पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, उसे अब हम पोस्टपोन कर रहे हैं कल पर, यानी कल वही टाइम रहेगा, वही शेड्यूल रहेगा और कल आप सभी के लिए वीडियोस आएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की। और आप सभी को टेस्ट को देने के बाद इसे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आप सभी को क्लिक करना है येस पे, आप सभी को क्लिक करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन पे, 10 आउट ऑफ 10 अटेम्प्टेड है, 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट है, टाइम लिया गया है 4 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। और अभी तक काफ़ी कम लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, रीज़न यही है कि जो आप सभी को मैंने बताया था कि आप अपने कोर्सेज में इनरोल हो जाएं। अगर आपने इनरोल नहीं हुआ है तो आप सभी के चैनल्स पे वीडियो अपलोडेड है। देखिए, स्वयं की टेस्ट आप छोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। तो स्वयं के सारे टेस्ट को आप दें, सारे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज कोर्स नंबर 501 के जो टेस्ट को देखा होगा, क्योंकि काफ़ी आपके तरफ से क्वेश्चन आता था कि सर स्वयं की जो टेस्ट है उसे क्या फ़ायदा है, क्या उसे हम आगे सीख सकते हैं, क्या उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टेस्ट में, जैसे कि मैंने बताया, आप सभी ने कम से कम कोर्स नंबर 501 का ब्लॉक वन ज़रूर पढ़ा होगा और इसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। तो इसमें जो 6 के 6 क्वेश्चंस हैं ये आप देखते ही बना लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपकी पीडीएफ से ही लिए गए हैं और बाकी जो टेस्ट है ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पीडीएफ से ही लिए जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स में जो 15 क्वेश्चंस आएंगे उसमें हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाए या इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। तो आपको सारे MCQ टेस्ट को देना है, आपकी प्रोग्रेस इससे इंक्रीज़ होगी और अपने प्रोग्रेस को भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी वीडियो आपके चैनल पे अपलोडेड है और मैंने आप सभी को जैसे बताया, आप सब जाएं अपने चैनल पे और इस वीडियो को देखें, नो हाउ टू इनरोल इन स्वयं अपडेटेड कोर्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जाके सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आप सभी के चैनल पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो आप जाके सारी वीडियोज़ को देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।